नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आगे आने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। इरफान पठान, सौरभ गांगुली, गौतम गंभीर और अब इसमें और भी नाम जुड़ रहे हैं। जैसे इस खतरे के बीच अब हिमा दास भी मदद के लिए आगे आई हैं। वो हिमा जिन्होंने वर्ल्ड कप अंडर 20 चैंपियनशिप में सोना जीतकर पहचान बनाई थी। उन्होंने 2018 एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड भी बनाया था। असम की रहने वाली हिमा ने कोरोना से लड़ने के लिए अपनी एक महीने की सैलरी दान देने का फैसला किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी एक महीने की सैलरी असम सरकार के COVID-19 राहत कोष में देंगी। हिमा ने यह जरूरी पहल की और इसकी जानकारी ट्विटर पर शेयर की। हिमा ने ट्वीट किया और लिखा, दोस्तों, यह एक साथ खड़े होकर उन लोगों की मदद करने का समय है जिन्हें हमारी जरूरत है। मैं अपनी एक महीने की सैलरी असम आरोग्य निधि अकाउंट में दे रही हूं, जिससे कि COVID-19 से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। इस ट्वीट में हिमा ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, खेल मंत्री किरण रिजिजू और असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा को भी टैग किया। हिमा के इस ट्वीट पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए लिखा, शानदार प्रयास हिमा, आपने एक महीने की सैलरी देने का जो फैसला किया है उससे उसके काफी मायने हैं और यह बहुत उपयोगी होगा। भारत कोरोना से लड़ेगा। हिमा को उनके शानदार खेल के लिए पहले ही भारत सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है। अब उनकी इस पहल से देश के कई और जाने माने चेहरे आगे आ सकते हैं। हिमा के अलावा इरफान पठान, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली सभी ने अपने अपने तरीकों से कुछ न कुछ मदद की है। बांग्लादेश की क्रिकेटर्स ने भी अपनी तरफ से आधी सैलरी दान देने की बात की है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 5 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिनमें से 720 से ज्यादा केस भारत में हैं। लेकिन अगर हम सभी मिलकर लॉकडाउन और नियमों का पालन करें तो हम जल्द ही इससे निपट सकते हैं। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं, मैं आयुष हूं। स्टोरी पर विपिन ने मेहनत की है। कोरोना वायरस से जुड़े सारे अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और दी लल्लन टॉप देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए। सबसे बढ़िया होगा कि आप हमारी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।